नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हां फ्रेंड, आप सही देख रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा बिल्कुल वैसा ही। फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी में 62,900 पदों से 90,000 भर्ती जो पद थे वो हो चुके हैं, यानी कि 62,907 से बढ़कर 90,000 पद हो चुके हैं रेलवे ग्रुप डी में। जी हां फ्रेंड्स, आप देखते रहिए पूरी वीडियो को, मैं ऑफिशियल न्यूज़ दिखाऊंगा आपके लिए। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिन फ्रेंडों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर विजिट करना, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, आप उनसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप रेलवे की पल पल की अपडेट, अदर वैकेंसीज, इंडियन वैकेंसी और कोई नया अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा काम है बस आपके लिए टेक्निकल हिंदी गुरु जी बस आपको ऑल टाइम अपडेट रखाना चाहता है, और आप ऑल टाइम अपडेट रहें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसी के साथ बेल आइकन को, घंटी को नहीं दबाना भूलें। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर बजा लें, जिससे कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, देखते हैं कौन सा है वो न्यूज़। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, ये सुशील कुमार मोदी का ऑफिशियल ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट। जी हाँ फ्रेंड, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी, उनका ऑफिशियल ट्वीट है। ऑफिशियल ट्वीट की एक पहचान है फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं आप, टिक लगा होगा अगर आप उस ऑफिशियल जो भी होगा वो उस पर। तो फ्रेंड्स देखते रहिए, और हम इसी में आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सुशील कुमार मोदी जी का ऑफिशियल ट्वीट, यहाँ पर उन्होंने एक नोटिस होगा 3 दिन पहले का, उन्होंने बोला है रेलवे में होनी है 1,60,000 नियुक्तियाँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये उन्होंने फोटो अपलोड किया है जिसको हम पढ़कर देखते हैं और बताते हैं आपको। देखिए, पूरी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आप बोर होने लगेंगे, इसलिए छोटी। रेलवे में होनी है 1,60,000 नियुक्तियाँ, सुशील मोदी जी ने बताया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने बोला है, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर 1,60,000 नियुक्तियां रेलवे में होंगी। इनमें से, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए, पूरा हाईलाइट में बता दे रहा हूं करके, यहां से आप पढ़िए, इनमें से 90,000 नियुक्तियां ग्रुप डी में हो रही हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने ऑफिशियल ट्वीट किया है, ये पेपर में भी आया था। इन्होंने बताया कि इनमें से 90,000 नियुक्तियाँ ग्रुप डी में हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी परीक्षा सितंबर में होगी। इसका एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स वो सितंबर में बताया जा रहा है होने को, ये उनका ऑफिशियल ट्वीट है, उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट पर ये ट्वीट किया है। तो फ्रेंड्स, ये था न्यूज़, मैं आपके लिए बस बताना चाह रहा था, इनके ऑफिशियल ट्वीट पर जाकर आप देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, और भी नए अपडेट पाना चाहते हो और रेलवे से जुड़ी पल पल के अपडेट और न्यू अपडेट पाना चाहते हैं एनी अदर्स किसी भी टॉपिक से लेकर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी के साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो को अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंडों को इस न्यूज़ का पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।